Can you hear me now? Yeah, I can. How are you? Good. How are you? I am good. बाल तो आपने काफी बढ़ा लिए इस समय. बढ़ गए हैं. हाँ, अच्छे लग रहे हैं. बट मुझे वो वैसे वो राम जी वाला लुक आ गया अभी आपको देख के. Yeah, back to that. है ना? कैसा चल रहा है क्वारंटाइन टाइम? या घर में बैठे हुए क्या चले? As usual, जैसे सब घर में बैठे, हम भी घर में बैठे हुए. क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं? थोड़ा रूटीन बताइए. रूटीन इज नॉट फिक्स्ड यार, मतलब इट्स लाइक कभी में निकल जाता है, कभी कहानी में किसी में, कभी बिंज वॉच हो जाता है कोई सीरीज, कभी मूवी देखी जाती है. बट हाँ, मोस्टली इट्स लाइक यू गेट अप, यू डू योर व्हाटएवर लिटिल बिट ऑफ वर्कआउट रूटीन जो कर सकते हैं, योगा अगर अपना, देन वी सी कि आज क्या करना है. सो उस दिन यू नो एवरी डे इट्स लाइक अ न्यू थिंग. सो इट्स अ बुक, मे बी बट देन आई हैव फोर बेबीज, तो वो उनके साथ में समय काफी बीत जाता है, तो उनके साथ में खेलना. एंड देन वी हैव अ कपल ऑफ स्टोरीज, तो दिन का कुछ घंटा उसको दिया हुआ है, तो कुछ समय तो उसमें जाना ही ना होता है. कुछ जूम कॉल्स होते हैं, कुछ ये वॉइस कॉल्स होते हैं, कुछ और कॉल्स होते हैं, तो उसमें निकल जाता है. तो इतने टाइम में जब आप अपने घर में बंद हैं और पूरा समय दे रहे हैं खुद को, कुछ ऐसा मिला अपने अंदर, कुछ ऐसा पाया आपसे? जैसे कहते ना, कुछ खोज करता है ना इंसान अपने अंदर, कि मेरे अंदर ये भी एक चीज थी जो मुझे नहीं पता थी, जो फ्री टाइम पे मैंने रियलाइज किया थी, आई हैव दिस टैलेंट और समथिंग लाइक, ऐसा कुछ देखा आपने? वैसे तो मैं बिना लॉकडाउन के भी इंट्रोस्पेक्शन करता रहता हूँ, उसके लिए लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं होती. पर क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसी आई थिंक इट्स अ सिचुएशन जो ऑब्वियसली आपको नॉर्मल से परे हटके सोचने पे मजबूर करती ही है, क्योंकि आप घर के अंदर बंद हैं. तो आई थिंक मेरे बारे में मतलब ऐसा कुछ तो मैंने नहीं जान लिया कि या तो मुझे पता नहीं कलाबाजी खानी आती है या मुझे खाना बनाना आता है, वो मैं पहले ही बना लेता था. और पर एक चीज जो आई थिंक विच आई लर्न इज कि मैं समझता था कि मैं पेशेंट हूँ, बट मैं शायद था नहीं. तो शायद गलत फहमी थी अपने बारे में एक कि मैं हूँ पेशेंट, पर मैं नहीं था उतना पेशेंट जितना मैं समझता था. और आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट आई हैव वर्कड ऑन पेशेंट, बिकॉज मैं बहुत ही फिजिटी हो जाता हूँ अगर मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं हो. आई थिंक आई नीड समथिंग टू, मेरा दिमाग ऐसा है कि वो बहुत कुछ चाहिए उसको करने के लिए. सबको नहीं मिलता है तो आई थिंक फिर परेशान होता है दिमाग मेरा. I think that was one thing which I realized about me, that I used to be patient, but then I think I wasn't. So now I worked on it. I am more patient now. क्या बात है. अभी हम आपका profile ही देख रहे थे, वो Wikipedia पे मैं देख रही थी आपका, तो मैंने देखा जितने भी बड़े बड़े लीड रोल है एकदम महान इंसानों के, जैसे राम जी हो गए, मोदी हो गए, चाणक्य हो गए, ये सब रोल आपको जो लीड मिले, इनको करने के बाद आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस देखा? क्योंकि ये सारे तो बहुत ही बड़े बड़े महान हस्तियां थी, तो ऐसा कुछ लगा इनके रोल करने के बाद, कुछ आपके अंदर कुछ वैसा कुछ फील आया या कैसे? या कि मेरे अंदर वैसा कुछ फील था, इसीलिए शायद मिले मुझे ये किरदार निभाने के लिए. मतलब आई एम इंटरप्टिंग यू, भी किया आपके ऊपर, चाहे वो राम हो, लगा हम राम को ही देख रहे हैं. मोदी अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने तीसरी बार फिर से देखी परसों, तो मुझे इतनी अच्छी लगी वो, बार बार मैं देखती हूँ उसको. एंड यू वर एब्सोल्युटली फैबुलस इन दैट. तो कैसे किया आशीष, कैसे इतना रोल में कैसे घुस जाते हैं पूरा? आई थिंक वो तो कोई भी किरदार हो, वो हिस्टोरिकल या मिथोलॉजिकल तक ही सीमित नहीं है, वो तो कोई भी किरदार हो तो उसमें आपको उतना ही जस्टिफिकेशन देना पड़ता है. और आई थिंक इट इज नॉट अबाउट ट्राइंग टू जस्टिफाई, ट्राइंग टू, अगर पता नहीं राम प्ले कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर उतना बर्डन ले लें. आई थिंक बर्डन लेना इज वही आप गलत हो जाते हैं. किसी का भी अप्रोच आई थिंक सेम ही है, वो आप कंटेम्प्रेरी कोई रोल करें या आप हिस्टोरिकल करें या मिथोलॉजिकल करें, सेम ही होता है सबका. और आई थिंक वो जस्टिफाइबल इसलिए हो जाता है क्योंकि
आप ऑनेस्टली उसके प्रति काम करते हैं, अगर आप उसमें ईमानदारी नहीं दिखाएंगे अपने प्रति, तो फिर आप फेक कर रहे होंगे, और फेक करते ही आप पकड़ में आ जाते हैं, ऑडियंस पकड़ लेती है, कैमरा ही पकड़ लेता है, ऑडियंस तो खैर बहुत बाद में आते हैं। तो अगर आप ऑनेस्ट नहीं है अपने क्राफ्ट के साथ में, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप पकड़े जाते हैं। मेरा जो अप्रोच है वो यही है कि जितना ईमानदारी से जितना मैं कर पाऊँ उतनी मैं कोशिश करता हूँ, और उससे ज्यादा करने की कोशिश इसलिए भी नहीं करता क्योंकि कहीं ना कहीं फेकनेस की तरफ जाने लग जाता। सो आई थिंक शायद इसीलिए। और दूसरा ये कि इस तरह के किरदार, जैसे क्योंकि आपने सवाल पूछा हिस्टोरिकल्स के लिए और मिथोलॉजिकल्स के लिए, तो उस तरह के किरदार आप निभाना, या तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मैं पढ़ता हूँ उनके बारे में, बहुत बचपन से पढ़ता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में उनकी एक छवि हमेशा से रही है। तो जितना आपके पास जानकारी होती है उतनी आप डाल पाते हैं। तो स्क्रिप्ट और रिस्क आपको मिलती ही है, बट फिर आपकी अपनी कुछ समझ होती है उन चीजों को लेकर, आप कुछ समझे कुछ पढ़े होते हैं उसके बारे में, तो आप अपनी तरफ से उसमें डाल पाते। आई थिंक दैट इज अनदर फैक्टर कि वो इस तरह के जितने भी किरदार है, क्योंकि मैंने पढ़ा है उनके बारे में ऑलरेडी, और जब मिलता है तो मैं और पढ़ाई करता हूँ उनके बारे में, rather than just जिम में जाके डोले बनाने से बेटर है कि आप थोड़ा पढ़ लें उनके बारे में और जानकारी ले लें। तो आई थिंक माई प्रोसेस ऑलवेज इंटरनली, लाइक इनसाइड आउट इज माई प्रोसेस। सो आई थिंक दैट इज वाई जो भी किरदार होते हैं वो इतना लोगों को पसंद आते हैं, उतनी सफाई से वो हो भी जाते हैं। हमने अभी महाभारत रामायण के ना जो भी पुराने जो किरदार थे उनसे बात करी, जो भी रामायण आ रही है पहले की, सॉरी, उन्होंने ये बोला कि उस टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग जब ऑफसेट होते थे शूटिंग के बाद, तो हम लोग उसी किरदार में होते थे, उसी के बारे में सोचते थे, उसी की बातें करते थे। आजकल की रामायण महाभारत उससे थोड़ी डिफरेंट है, शायद इसलिए कि लोगों के पास फोन है, लोग फ्री टाइम पे व्हाट्सएप पे लग जाते हैं या फोन पे लग जाते हैं, तो उससे किरदार से थोड़ा भटकते हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं आशीष? ये एक्टर्स को लेकर है, मतलब नॉर्मली मैंने पूछा उनसे कि उस टाइम पे सेट पे क्या करते थे आप लोग, जब वो एक्टर्स ना, एक्टर्स, यस, सो दे सेड, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक सबका अपना अपना नजरिया होता है, अब बदलते समय के साथ में आप चीजें भी बदलती हैं, और फिर आप उनके साथ जीना सीख लेते हैं, आप उनके अराउंड एक चीजें बना लेते हैं। वाजिब बात है उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, वो उस समय कुछ और डिस्ट्रैक्शंस होंगे जिनके अराउंड उन लोगों ने वो किया होगा। हमारे पास में मोबाइल फोन है, वो अब वो डिस्ट्रैक्शन है उसको कह सकते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन कितना है वो हमारे ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना डिस्ट्रैक्शन बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सो आई थिंक डिस्ट्रैक्ट होना या ना होना इज नॉट डिपेंडेंट ऑन The things around you, it is dependent on you. आपके आसपास distraction तो हमेशा रहेंगे, but आप कितना होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं वो तो हमारे मेरे ऊपर है। तो I think इसका होना या ना होना मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब शुरू किया था 10 साल हो गए अभी करते हुए, उस समय social media नहीं था उतना, Instagram नहीं था, कुछ नहीं रखा लिया थी, एक Twitter बहुत समय बाद आ गया था, तो उस पर भी उतना कोई एक्टिव होता नहीं था, उतना प्रचलन नहीं, तो उस समय भी वैसे ही काम करता था। जब ये सब आ गया तो मैं तब भी वैसे ही काम करता हूँ, तो ना मैं तब डिस्ट्रैक्ट होता था ना आज होता हूँ। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ चॉइस, चीजें मैटर नहीं करती हैं, आई थिंक इंडिविजुअल चॉइस मैटर करता है कि होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। अभी की जो रामायण हम देखते हैं या जो हमने वो देखी अरुण गोविल जी वाली देखी, आपने भी जरूर देखी होगी आई एम श्योर, आपको लगा उनके रोल में उनका जो करने का तरीका था और आपने अपने रोल को, जैसा कि हम सब जानते हैं, जस्टिफाई किया, पूरा जस्टिस किया आपने उसको, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल परफेक्ट किया, क्योंकि उसको हम एक कल्ट क्लासिक मानते हैं उन राम जी को, और आपको हमने देखा और भी हमने बहुत रामायण देखी है, तो आपके अकॉर्डिंग आजकल के जो राम की भूमिका निभा रहे हैं, या जो कुछ फर्क लगा आपको उसमें, आप कुछ आपने उनको फॉलो किया था अपने रोल को करते टाइम? मैंने तो नहीं, क्योंकि मैंने आई थिंक जब मैंने चंद भी किया तो पहले हो चुका था, तब मैंने तब भी नहीं देखा। फिर मैंने अगर सिया के राम किया तब वो पहले तो एक बार नहीं काफी बार हो चुका था, तो तब भी मैंने किसी को नहीं फॉलो किया। ऑब्वियसली बचपन में आपने देखा, हम सब ने देखा, हम सब देखकर बड़े हुए हैं, एक बहुत छाप आपके दिमाग पे रहती है उसकी, पर क्योंकि वो उस समय के लिए आई थिंक वाजिब था, एकदम एप्ट था उस समय के लिए, क्योंकि वो फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो पहली बार हमने देखा, पहली बार टीवी पर ऐसा कुछ आया,
पहली बार रामायण को इतने बड़े तरीके से एग्जीक्यूट होते हुए लोगों ने देखा, तो वो एक छवि आपके दिमाग में रहती है, और वो जो फर्स्ट टाइम सिचुएशन होता है वो फर्स्ट टाइम ही होता है, वो उसको हम लोग कभी भी रेप्लीकेट नहीं कर सकते। उसको रेप्लीकेट करने की इच्छा भी नहीं थी, इसीलिए हम मैंने कभी भी उनको क्या किसी को भी फॉलो नहीं किया, कोई और कोई वो और वो तरीका भी नहीं होता है कि आप किसी को देखें फॉलो करें। आई थिंक आई डोंट बिलीव इन दैट। और मैंने जो पढ़ा लिखा समझा उसके हिसाब से, और प्लस जो क्रिएटर्स बनाना चाह रहे थे, जिस अप्रोच से चाह रहे थे, उसको फॉलो करके हमने बनाया, क्योंकि उस समय की अप्रोच बहुत अलग थी बनाने की, इसकी अप्रोच ही अलग थी, तो उसको मैच ही नहीं कर सकते थे हम किसी भी तरह से, और टेक्निकली भी बहुत डिफरेंट था, तो उसको उस तरह से एग्जीक्यूट भी नहीं जा रहा था। तो वो सारी चीजों का जो एक कोलैबोरेशन होता है उसके मद्देनजर ही हम कर पाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज मुझे तो लगी कि हम लोग आज की जनरेशन के लिए बना रहे हैं उसे, और उस समय की जनरेशन और आज की जनरेशन में जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर हम आज की जनरेशन के लिए बना रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो उन्हें अपील करे, जो उनके साथ में रिलेट, जो वो रिलेट कर पाए। तो उस सोच के साथ में अगर आज बनाते तो शायद कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाते ऑडियंस। एंड वी वांट यंग ऑडियंस टू लैप इट अप बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बहुत, मैं हर बार ये बोलता हूँ कि हर दशक में ना ये हमारे एपिक्स बनने चाहिए, क्योंकि एज अ क्योंकि जो नई जनरेशन है उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि जो सोसाइटी बहुत हेविली ड्रॉ करती है इन सभी एपिक्स से, डे टू डे लाइफ में ड्रॉ करते हैं हम, तो नई जनरेशन को अपील करने के लिए और उन्हें ये चीजों के बारे में बताने के लिए, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि हम में से 80% लोगों ने रामायण पढ़ी ही नहीं है, हमने सिर्फ देखी, हम 80% लोगों ने पढ़ी होगी, हमने पढ़ी नहीं है किताब, हम सिर्फ देखे जो भी ना है, चाहे वो फिल्म बनी हो या टीवी में आओ, हम सिर्फ वो देखकर उनके बारे में जानते हैं। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर जनरेशन के लिए एक नया उसका वर्जन आए और सब देखें, उसके बारे में जाने और पढ़े। अभी कुछ चल रहा था प्रोजेक्ट आपका लॉकडाउन से पहले, कुछ चीजें, किसी चीजों पे बात हो रही थी? हाँ जी, देयर वर कपल ऑफ थिंग्स, तो कुछ वेब सीरीज थे और एक वेब फिल्म था, बट राइट नाउ तो एवरीथिंग इज एम्बिगियस, किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है और कब काम शुरू होगा, कैसे शुरू होगा। आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड इन दीस टू मंथ्स, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, बजट से लेकर यू नो किस प्लेटफॉर्म पर कैसे किन चीजों को आना है, कब आना है, कैसे आना है, बहुत सारी चीज बदल गई हैं उनका सबका। जब तक एक स्ट्रीमलाइन होती है चीजें तो वी कैन से फॉर श्योर कि कब क्या होने वाला है, बट यस देयर आर कपल ऑफ थिंग्स। वो तो क्या, चलो बाहर का काम था जो मैं करने वाला था, जो हमारा होम प्रोडक्ट, उसमें भी सपोज टू गो ऑन फ्लोर्स नाउ, मतलब इन दिस मंथ, वो भी नहीं जा सकते, पता नहीं कब जाएंगे। सो लेट्स, बट देयर आर टू मोर प्रोजेक्ट नाउ प्रोडक्शन जो हम अभी वी आर जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग राइट नाउ, एज एंड व्हेन दैट फिनिशेस, एज एंड व्हेन थिंग्स गेट नॉर्मल, वी विल गेट टू नो कैसे क्या करना। अभी अभी एक मुझे चीज पूछनी थी आपसे आशीष, आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी कैसे मेंटेन करते हैं इसको? आपको देख के आपके बिहेवियर बिल्कुल भी स्टार्डम या सीरियसली आई एम टेलिंग यू, बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो तरीके के नेचर के, कैसे कैसे आई टेल यू व्हाट, ये मेंटेन करना नहीं पड़ता है, जो दूसरी साइड है वो मेंटेन करनी पड़ती है। ऐसे तो आप होते ही हो, सो आई थिंक सो दैट यू नीड टू मेंटेन, बट दिस इज लाइक हाउ यू आर, मतलब शायद इसलिए भी क्योंकि मेरे को लगता है बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी अपब्रिंगिंग का, कि आपकी अपब्रिंगिंग किस तरह से रही, परवरिश कैसी रही, क्या किन किन वैल्यूज के साथ में आप बड़े हुए हैं और किन चीजों को इम्पोर्टेंट समझते हैं अपनी लाइफ में। तो आई थिंक मेरी लाइफ में मेरा घर है, मेरी फैमिली है, जो खाना बाकी दुनिया खाती है वो खाना मैं खाता हूँ, तो उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। मेरी जरूरतें छोटी हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स, मेरी जरूरतें बहुत छोटी हैं, लेकिन हाँ मेरे एम्बिशंस बड़े हैं, तो उनको पूरा करने के लिए फिर मैं जो मैं जितना एनर्जी मुझे फालतू की चीजों में लगानी चाहिए वो एनर्जी मैं अपने काम में, जो चीजें करने लाइफ में मैं उनमें लगाने की कोशिश करता हूँ, तो चैनलाइज में वहां करता हूँ, और आई थिंक वो बचपन से सिखाया गया है हमें, तो
अब मतलब छोटी छोटी चीजें होती है ना, पिताजी मेरे प्रशासनिक अधिकारी थे तो लाल बत्ती की गाड़ी, कभी नीली बत्ती की गाड़ी हमेशा रहती थी, अब स्कूल छोड़ने को गाड़ी जा सकती थी पर पिताजी ने कभी भेजा नहीं, उसमें पैदल ही जाते थे हम, तो साइकिल ली कभी पैदल चले गए, तो इससे आपके अंदर वो चीजें आ जाती हैं और वो धीरे धीरे आप उन्हीं वैल्यूज के अंदर बड़े हो जाते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स, एंड इतना मुश्किल नहीं है यार, मतलब इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती, बहुत आसान है। आपकी फैमिली कहाँ, जयपुर में ही है? जी मेरी फैमिली, वैसे हम लोग हरियाणा से हैं। मेरी पैदाइश भी हरियाणा की है, सिरसा हरियाणा की पैदाइश है, पर मेरे जो दादाजी थे वो राजस्थान में काफी समय पहले आ गए थे, तो फिर मेरे पिताजी, हम सभी राजस्थान से ही हैं, और पिताजी मेरे जो थे वो प्रशासनिक अधिकारी थे, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में थे, रिटायर हुए हैं अभी, और क्योंकि वो प्रशासनिक सेवा में थे तो उनका ट्रांसफर बहुत होते थे, तबादले होते थे उनके, तो पूरा राजस्थान भर बचपन में घूमता रहा हूँ मैं, हर एक साल में 6 महीने में ट्रांसफर हो जाता था, फिर हम सब लोग मैं और मम्मी सामान लेकर पीछे पीछे आ जाते थे, तो ऐसे ही होता रहा बचपन में, तो ऑलमोस्ट पूरा राजस्थान घूमा, फिर फाइनली जयपुर में जाकर सेटल हो गए, और मैं जब 6th class में था तब से जयपुर हूँ, और फिर पूरा स्कूलिंग, पूरा कॉलेज, एवरीथिंग हैपेंड इन जयपुर। सबसे पहला ब्रेक कैसे मिला था आशीष आपको, और फैमिली ने कभी कुछ ऑब्जेक्ट किया इस चीज को लेकर, आपके एक्टिंग करियर को लेकर? नहीं नहीं कभी नहीं किया, मतलब स्पेशली मेरे पिताजी तो मतलब लोगों को लगता था ऐसा कि क्योंकि वो आरएएस ऑफिसर हैं और तो शायद वैसा ही कुछ मैं भी करूंगा, या मैं, मेरे बड़ा भाई भी है तो हम दोनों वैसा ही कुछ करेंगे, या हमें कभी भी प्रेशराइज नहीं किया गया। हमें पिताजी मेरे भले ही प्रशासनिक सेवा में थे पर वो कवि हैं, वैसे तो उनकी किताबें छपती हैं, कविताएं करते हैं, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं कला के प्रति जो रुझान होता है वो शायद वहीं से आया होगा, उन्हीं से आया होगा। मेरी मॉम ने भी कभी कभी नहीं, मतलब वो बहुत खुश होते थे जब मैं क्रिकेट खेलता था बचपन में, फुटबॉल खेलता था, तो आपके छोटे छोटे लोकल न्यूज पेपर्स में वो छोटे छोटे से आपकी क्लिपिंग छपती, आज 3 निकलिए, दो एक तो छोटी सी आपकी फोटो छपती टेढ़ी मेढ़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट, तो वो देखकर वो खुश होते थे, और रोका नहीं कभी, मतलब ऐसा बोलकर मैं निकल सकता था कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो 4 घंटा मैं बाहर रह सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दे वर वेरी सपोर्टिव सिंस द बिगनिंग। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट करता था, वो ऑफ स्कूल हो या ऑन स्कूल हो वो मैटर नहीं करता था, और आई थिंक उनको बचपन से पता था शायद कि मैं कन्वेंशनल कोई भी रूट नहीं लूंगा व्हेन इट कम्स टू यू नो करियर ऑप्शन के लिए, दे न्यू समवेयर डाउन द लाइन, उनको समझ में आ गया था, वैसे भी माता पिता भाई पाले में नजर आ जाते हैं, सो दे अंडरस्टैंड, दे न्यू कि ये कन्वेंशनल कुछ नहीं करेगा, एंड ही विल गो इनटू समवेयर इनटू, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स भी ऐसे थे, वोकेशनल सब्जेक्ट था मेरे पास में, फाइन आर्ट्स था, पेंटिंग्स था, साइकोलॉजी थी, इन्फॉर्मेटिक्स, इंग्लिश, सब्जेक्ट्स थे मेरे पास जो मेरे माँ बाप ने दिलवाए थे, और मैंने ग्रेजुएशन फैशन डिजाइनिंग में किया, दे न्यू कि वो मैं वो कन्वेंशनल रूट तो नहीं लूंगा, बट हाँ जब पहली बार मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग को प्रोफेशनली मुझे परस्यू करना है, क्योंकि मैं कर रहा था लगातार स्कूल कॉलेज में, मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था और एक ग्रुप से जुड़ा हुआ था, और मैं काफी प्लेस करता था जयपुर में ही, फिर फाइनल ईयर चला मेरा कॉलेज का, और एक्चुअली जो सोचा था वो ये सोचा था कि ग्रेजुएशन करके थोड़ा सा प्लेस का एक्सपीरियंस लेकर आई विल ट्राई एंड जॉइन NSD, फिर वहां जाकर मैं कोर्स करूंगा, पर जब फाइनल ईयर में था तो तब पापा से बात हुई, और तब मैंने पापा को कहा कि मुझे ये प्रोफेशनली मैं करना चाहता हूँ, तब उन्होंने कहा कि अगर चाहते हो करना तो फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लो इसकी, देन इसको हॉबी की तरह नहीं लो, फिर देन बी सीरियस अबाउट इट एंड बी ट्रेन इन एक्टिंग। सो उसके बाद फिर मैं मुंबई आया, मुंबई आके मैंने अनुपम खेर सर का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और प्रोफेशनली वहाँ पे ट्रेनिंग ली, और फिर यहीं, तो जैसा आपने कहा कि उनकी तरफ से कैसा रिएक्शन होता था, उन्होंने भेजा तो पहला काम मिलना उनके लिए वो शौक में था, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाई करने भेजा था यहाँ पहले, फिर पढ़ाई की, फिर पहला काम मिला, तो सपोर्टिव ही थे हमेशा से। तो
का जो पूरी जर्नी है आशीष आपकी, आप कैसे देखते हो उसको, और सबसे बेस्ट आपने क्या किया अब तक इस इंडस्ट्री में जिससे आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो और आपको लगा कि दिस इज माय बेस्ट वर्क? नहीं, जिस दिन ऐसा बोल दूंगा उस दिन मुझे वापस चला जाऊंगा जयपुर। अच्छा। जिस दिन ऐसा बोला मैं नहीं है, नहीं हो भी नहीं सकता वो। आप आज अगर बहुत बड़े किसी भी एक्टर से पूछेंगे ना, जो अभी आज अगर आप अमित जी से भी पूछेंगे ना उनका बेस्ट काम क्या, वो नहीं जवाब दे पाएंगे। और वो यही कहेंगे कि अगर हो जाए वैसा तो फिर आपकी क्वेस्ट खत्म हो जाती है कि आप अगला क्या करें। आप तो कर लिया, बेस्ट हो गया, खत्म, रैप अप, पहला हो जाता है। सो जर्नी जो मेरी रही वो आई थिंक आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट। आई थिंक लोग ऐसा बोलते हैं आप बहुत अच्छे एक्टर हैं और आप काम ऐसे नहीं मिलते, काम सबको मिल जाता है लेकिन ऐसे नहीं मिलता है यहाँ पे आके। मेहनत सब करते हैं, अच्छा बहुत से लोग दिखते हैं, टैलेंटेड बहुत सारे लोग होते हैं, बट उन्हें शायद वो मौका ही नहीं मिलता अपना वो टैलेंट दिखाने का। तो आई थिंक डेस्टिनी, किस्मत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है कि आपको वो मौका तो मिलते कि आप अपना टैलेंट दिखा पाए, तब तो जाके मेहनत करेंगे, तब तो जाके आप दिखाएंगे। सो आई थिंक मेरी जर्नी के हिसाब से आई थिंक आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि जिस तरह से मुझे मौके मिले वो लकी हो सकता है। क्योंकि किसे ऐसा मौका मिलता है कि मैंने वो रिलीज नहीं हुई लेकिन उसकी जो डायरेक्टर थी वो फिर वो प्रोड्यूसर बन गए, वो एक चैनल में गए और उन्होंने चैनल हेड से मेरी सिफारिश कर दी कि हाँ एक लड़का के साथ मैंने काम किया बड़ा अच्छा है आप मिल लीजिए। इट्स अ स्ट्रोक ऑफ लक। He went there in front of that person and recommended my name. He recommended my name because I had worked. Okay, वो बात मानता हूँ मैं कि मैंने मेहनत की उनके साथ पहले, but all of this is not because of my मेहनत, this is destiny. Rest of everything is destiny. So वो मौका मिला I think by luck, और फिर obviously मेहनत आप करते ही हैं, ईमानदार आपको होना पड़ता है, humble आपको होना पड़ता है और professional आपको होना पड़ता है, और वो इतना मुश्किल नहीं है करना, पर पता नहीं शायद लोगों को लगता है काफी मुश्किल होता है। और जर्नी के लिए और क्या कहूँ यार, मतलब इट्स बीन क्वाइट, बहुत सारे मजेदार लोग मिले यार रास्ते में, बहुत सारे मजेदार लोगों के साथ काम किया और जुड़ गए बहुत सारे लोग। और आज आई थिंक इफ टुडे आई एम इन अ पोजीशन, सेल्फ सफिशिएंट, इन अ पोजीशन टू मेक समथिंग ऑन माय ओन, आई थिंक इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस जर्नी। क्योंकि उस जर्नी के अंदर ही वो सारे लोग भी मिले, वो सारे रिसोर्सेज भी मिले, लोगों को मुझ पर कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ आप कर सकते हैं। तो आई थिंक काफी फुलफिलिंग, और जिस तरफ जाना चाहता था एक्चुअली उसी तरफ जा रहा हूँ कि मैं खुद क्रिएट करना चाहता था चीजें। तो आई थिंक टुडे आई एम इन पोजीशन टू डू दैट एंड बकेट लिस्ट में क्या क्या है आपके आशीष? हाँ जी, आपकी बकेट लिस्ट, विश लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं अभी? ऐसी क्या चीजें हैं जो आप बकेट लिस्ट यार बनाई नहीं गई बकेट लिस्ट तो बनानी सोचना पड़ेगा मुझे क्या करना चाहता हूँ यार मैं एक तो ना आई जस्ट रियली वांट टू ट्रैवल अ लॉट। अब वो सब बंद हो गया है, मैं चाहता हूँ खुल जाए जल्दी से। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग और मुझे ना वो लग्जरी ट्रैवल नहीं पसंद आता है उतना। मुझे लोगों के बीच जाना, अनप्लान्ड चीजें करना, जस्ट टू गो एंड अंडरस्टैंड द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, लोगों को समझना। तो अलग अलग जगहों पर सब अपने अपने तरीकों से जीते हैं, तो आई रियली लव दैट। तो एक वो है कि मैं बहुत सारे देशों में बहुत सारी जगहों पर घूमना चाहता हूँ, उतना समय मुझे मिले और बाकी सब खुल जाए जल्दी से। और दूसरी बकेट लिस्ट इज I want to create lot of stuff for kids, for new generation. तो मुझे नए बच्चों के लिए कुछ करना है कि especially उन बच्चों के लिए जो जिनके पास में resources नहीं है, because उन cities में resources नहीं होते हैं। आज भी अगर कोई कला से related कुछ भी सीखना चाहता है, be it dance, be it acting, writing, anything, उनके ना schools ही नहीं है हमारे यहाँ। लोगों को सीखे कहाँ जाके और उसको प्रोफेशनली लेना चाहे तो कैसे लें? छोटे शहर में कहीं दो, या तो दिल्ली जाना पड़ेगा या आपको मुंबई आना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ चॉइस नहीं। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग आई वांट टू डू, आई वांट टू स्टार्ट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट मे बी लेटर।
एंड बकेट लिस्ट यार आई वांट टू ट्रैक वन डे यस दैट इज अनदर थिंग और वो तो मैं कर लूंगा यार पूरी चीज वो मैं कर लूंगा वो मुझे पता है बाकी दो चीजों का पता नहीं ये तो मैं कर लूंगा सो प्रीटी मच यार यही है अभी तो बाकी सोचना पड़ेगा सोचूंगा मैं बताऊंगा हाँ बताइएगा जरूर आपके फैन जरूर जानना चाहेंगे और हमने देखा आपके फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है बहुत लोग आपके फैन हैं और आप कभी ऐसा कुछ हुआ कि ऐसी किसी फैन से मुलाकात हुई कभी आपकी क्योंकि हमने देखा क्रेजी हैं आपके पीछे लोग तो कुछ ऐसे क्रेजी फैन से कभी मिलना हुआ आपका कुछ इंसिडेंट बताइए क्रेजी तो नहीं बट हाँ फैन से मुलाकात होती है और क्रेजी तो मतलब have them around me itne sare log and I'm really blessed especially isliye kyunki ek to na wo bahut organically wo log sath mein aaye aur bahut saalon se sath hi mein hain you know aur wo badhte jaate hain and every time with every project kyunki kahin pe bhi aata hai so they keep growing and I think sabse achhi baat mujhe ek lagti hai ki unme na kuch aise naam hai na jo barson se hain and barson means from my first show And they've constantly been there supporting me, you know, loving my work with every project. And yeah, तो एक बार तो ऐसा हुआ कि जर्मनी में फिल्म खेजड़ी का प्रीमियर था जर्मनी में और वन फैन फ्रॉम इंग्लैंड फ्रॉम यूके शी ट्रेवल्ड ऑल द वे टू जर्मनी जस्ट टू बी देयर एंड I'm really, I was really, really touched by that gesture, and she's been around for a really long time, and I'm really thankful to her, really love her for that. She traveled all the way from UK to Germany, and she was at the premiere. And once the film ended, you know, she was the one who stood up and she told everybody around who I was because in Berlin it was all German audience and they were watching me for the first time, and she just. Went on and on and on and I was like all right hold on let them speak now so yeah and see these things really matter you know who takes so much pain to travel from one country to the other come there just to see you for what for 2 hours 3 hours it matters a lot and then there are a lot of fans who keep traveling from abroad they come here there's a couple of group of lovely ladies who came to the set of Prithvi you know, all of them traveled from different countries and states. And so they came all together and they came to the set and they spent some time. It feels nice, yeah. You know, they take so much of pain to just come and see you and meet you for us for what, 2 hours maybe max. So yeah, and I feel really, really blessed and really touched by all of them. They will continuously sab karte rehte hain. So I'm really, really happy. मुझे बहुत मैसेजेस आए कि आप उनसे ना एक राम जी के उसका कोई डायलॉग बुलवाइएगा और एक मोदी फिल्म में जो आपने कोई डायलॉग बोला है मोदी के उसमें आप एक बार वो बोल सकते हैं क्या बहुत ज्यादा मैसेजेस है अरे यार मोदी कलर भी एक साथ हो गया मुझे आप थोड़ी ना याद है मुझे याद ही नहीं है वो और मैंने उसमें कहीं पे भी मिमिक किया ही नहीं उन्हें जैसे वो आप बात कर जो रोल प्ले किया उसका कोई डायलॉग याद है आपको ये बताना था ना मैं याद करके रखा कोई अच्छा चलिए फिर हम बाद में करते हैं आपका कनेक्शन कुछ अनस्टेबल है तो मुझे याद ही नहीं है मतलब और राम का तो मतलब अच्छा मोदी जी का कुछ याद है गॉड राम तो इतना मैं तुमसे याद ही नहीं कुछ भी याद नहीं मोदी जी का कोई डायलॉग याद है मोदी सीरीज जो आपने करी उनकी मोदी का ओफ यार काफी कठिन क्वेश्चन क्योंकि वो सी व्हाट आई डू ना मैं वो फ्लश आउट कर देता हूं सिस्टम से ना देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बैक इमीडिएटली ना याद ही नहीं आता कुछ आई अंडरस्टैंड नो यार कुछ याद नहीं आया रियली सॉरी उनको बोलना मैं ना पक्का अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा परफेक्ट 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 परफेक्ट
I'm really sorry, मुझे याद भी नहीं है. I understand. Actually, this is quite difficult question to ask. हाँ, but मुझे और भी दो चीजें जाननी है आपसे आशीष. अभी तो आपने वेब सीरीज भी करी है, आपने फिल्म्स भी करी है, आपने थिएटर भी करा है आपने, आई गेस कोई आइडिया है कोई इंडस्ट्री में किसी को फॉलो करते हैं आप, किसी के जैसा बनना चाहते हैं, कुछ है ऐसा कोई इंडस्ट्री में जिनको आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो डे वन से? हमारी इंडस्ट्री में बॉलीवुड से या टीवी इंडस्ट्री से या कहीं से भी? नहीं यार, नहीं मैं किसी को भी फॉलो तो नहीं कर रहा हूँ ऐसा, और ना ही मैं ऐसा समझता हूँ कि उनके जैसी जर्नी चाहूँ. एक तो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है. ऐसा तो नहीं, मैं किसी को भी फॉलो नहीं करता हूँ कि उसके जैसी या उनके जैसी मेरी कोई जर्नी बने. काम अगर आप पूछे हैं जिनका अच्छा आपको लगा हो या आप समझते हैं कि यार काम बड़ा अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली कुछ नाम है जैसे कपूर हैं या फान थे. मेरे कंटेम्प्रेरीज में बात करूं तो आई रियली लाइक राजकुमार, हमने साथ में हमने शुरू किया था और उनकी भी जर्नी, उसकी भी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है. राजकुमार की भी एंड द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट ही हैज डन, उनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत इंस्पायरिंग है. मैं उस तरह का नहीं करना चाहूंगा काम, फिर या उनके से जर्नी नहीं चाहूंगा मैं. जर्नी में जैसे मुझे ना वेस्ट में ना बहुत आसान होता है, जैसे वेस्ट में ना जैसे बहुत से एक्टर्स हैं जो थिएटर भी उतना ही करते हैं, फिर वो टेलीविजन भी कर लेते हैं, फिर वो फिल्म भी कर लेते हैं, तो उसमें वहां पे मीडियम लेकर ना उतना एक प्रेजेंस नहीं है. हमारे यहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो रहा है, डेफिनेटली काफी कम हो गया है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बट बाहर ना वो वैसा प्रेजुडिस नहीं है. आप एक ऑस्कर विनिंग फिल्म करते हैं, फिर आप एक सीरीज भी कर लेते हैं, फिर आप छोड़ के सब कुछ आप थिएटर में चले जाते हैं. तो आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट. आई थिंक उस तरह की फ्रीडम मैं चाहूंगा, उस तरह का आई थिंक टू डेल्व इनटू, क्योंकि हर कहानी को एक मीडियम जस्टिफाई कर सकता है. अब अलग मीडियम चाहिए होते हैं जस्टिफाई करने के लिए. अब एक लंबी कहानी को मैं 3 घंटे 2.5 घंटे में नहीं कह सकता हूँ, और एक 2.5 घंटे की कहानी को मैं अगर एक सीरीज बनाने जाऊंगा तो वो वर्क नहीं करेगा. तो आई थिंक हर कहानी को एक मीडियम चाहिए होता है कहने का, और उसका जो भी एप्ट मीडियम हो उस हिसाब से अगर मैं काम कर पाऊँ तो शायद मैं वैसी जर्नी चाहूंगा अपनी, किसी के जैसी तो नहीं चाहूंगा. आशीष, अभी क्या जो माहौल चल रहा है बाहर का, जो लॉकडाउन, जो COVID-19, उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज रेगुलर मैसेजेस आते हैं कि इंडिया बेटर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज डूइंग गुड इन दिस. आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने पॉलिटिशियन पे, अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, या कुछ ऐसा कि क्या लगता है आपको कि इंडिया कितना बेटर है एज कम्पेयर टू अदर, और हमें क्या कुछ करना चाहिए इसकी सेफ्टी के लिए? मैं ना बहुत स्ट्रांगली एक चीज मानू कि हमारा जो जिस जाता है, आई थिंक वो हमारी सबसे बड़ी ताकत भी और हमारी ब्लेसिंग गाइस भी है. हमें जो कहा जाता है ना कि हम जितना हम नहीं जुड़े, जितना डेवलप हम नहीं है शायद, वो हमारा ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी है. और जो हमारा सबसे बड़ी कमजोरी है, मतलब जो कही जाती है हमारी जनसंख्या, वो आई थिंक हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है. तो अगर हम उसकी ताकत को समझ लें, मतलब जैसे चाइना ने बहुत पहले समझा अपनी उसको और अपना, और उसे उन्होंने अपनी ताकत बनाई, अगर हम उसे अपनी ताकत बना ले, और आई थिंक अभी समय है, अब वही मैं कह रहा हूँ ब्लेसिंग गाइज है ये हमारे लिए, अब अगर हमने उन पे काम कर लिया तो आई थिंक नथिंग स्टॉप अस फ्रॉम बीइंग द नेक्स्ट सुपर पावर. We already are in a way, but आज अगर हम देखें तो अगर दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है for help, it's a big step. First of all, हमने की भी ऐसा हमने नहीं की, हमने दवाइयाँ भेजी, हमने अभी आज हम PPE kits export कर रहे हैं, so वो हमारे यहाँ बन रहा है. I think it's a big big step. मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये जो हर चीज को ना हम पॉलिटिकाइज कर देते हैं, हर चीज को हम लोग उसको ना राजनीतिक रूप दे देते.
मतलब कुछ तो छोड़ना चाहिए ना, कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए, कुछ चीजों को होने देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अभी जो भी ये चल रहा है माइग्रेंट वर्कर्स का, जो लोग अब उसमें ना हर कोई कोई तो डोनेशन देकर अपनी फोटो खिंचा लेता है और कोई जाकर तो कैमरा लेकर चले जाते हैं साथ में और दान दे देंगे और चार लोगों को बिस्कुट देके उसकी फोटो खिंचा के डाल देते हैं. आई थिंक वो ना उससे ज्यादा ना घटिया काम कोई नहीं कर सकता. आपको करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो मत करिए. प्लस जैसे हमारे सारे स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं अभी, या अलग अलग स्टेट्स थोड़ी ना. अब जो अगर कोई बिहार में रहे, बिहार का बंदा कोई केरल में रह रहा है, उसको जाना है, वो स्टेट से होकर ही जाना है उसने, तो वो आपकी स्टेट में पानी भी खरीदेगा तो आप ही को 10 रुपया देगा वो. अगर आपकी स्टेट में 2 रुपए का बिस्कुट खरीदेगा तो वो महाराष्ट्र को देगा या तो गुजरात को देगा वो. तो जाने दो उसे यार, आप ही के लिए काम कर रहा है, आप ही के लिए काम करता है, आप ही का पैसा आप ही को रोटेट करके देता है वो. तो ऐसे में अगर हम मतलब देखिए ना कितना कमाल का ताना बाना है हमारे देश का, कि एक झारखंड का तमिलनाडु में काम करता है, तो हम सभी एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं ना एट द एंड ऑफ द डे. तो हम लड़ क्यों रहे फिर उनके ऊपर? और आज हम लड़ हर चीज को राजनीतिक बना दिया जाता है. उनको मत बनाओ, उनको जाने तो उनको छोड़ दो, उनको जाना भी है तो दूसरा की क्या जाना इतना जरूरी, दो पक्ष क्या जाना इतना जरूरी है? अपने की जान हथेली पे रख के क्या जाना इतना जरूरी है? होगा कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, क्योंकि खाने को नहीं है, पीने को नहीं, समझ सकते हम. बट वो कहना है कि हम सब हर्ड मेंटेलिटी वाले हैं कुछ भी करके. तो जिनको तकलीफ नहीं भी होती है ना, वो डर के मारे साथ में चले जाते हैं. उससे सिर्फ पैनिक बढ़ता है और कुछ नहीं. और कुछ लोग चाहते हैं कि पैनिक बढ़े, तो वो बढ़ाते हैं पैनिक. तो डू नॉट लेट पीपल टेक एडवांटेज ऑफ यू. और वही बात है कि हमारी कमजोरी हमारी जनसंख्या, क्योंकि अनपढ़ है, क्योंकि आप उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको बरगलाना आसान हो जाता है. तो आई थिंक वही हमारी स्ट्रेंथ भी है, वही हमारी वीकनेस भी. और आई थिंक हमारे जो अब कोई भी हो, हमारे हमारे राजनीतिक जितनी भी पार्टियां, वो सब एक दूसरे के ऊपर बेनिफिट लेना चाहती हैं. काश हम समझ जाएं, काश हम सीख जाएं कि भाई हमें सब अपना अपना भी देख लेना, तो आई थिंक विल बी ऑल सॉर्टेड. कि हम अपना अपना देख लें, अपना अपना सही तरीके से कर लें, आई थिंक विल बी ऑल सॉर्टेड. बट हम लोगों को आदत है ना कि हम लोग दूसरे को देख कर करते हैं. सो आई थिंक दैट इज हमारी गलती वही हो जाती है कि हम दूसरे को देख कर वो जो कर रहे हैं शायद वो अच्छा है, वो सही है, और हम लोग वो करने की कोशिश करते हैं. अपने अपने हिसाब से अपने घर पर आए. और आई थिंक ये जितना भी कुछ चल रहा है राजनीतिक ना करके, अगर हम इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ही देख लेना केवल, कि किसी की मदद करनी है तो यार फोटो मत खिंचाओ यार, कर दो ना जाके. मतलब स्ट्रे एनिमल्स को खाना भी दे दें तो भी कैमरामैन साथ में जाएगा, अरे भाई उसको आप खाना खिला दो, बात खत्म हो गई. लेकिन आपको उससे ट्विटर पे पब्लिसिटी चाहिए या जहाँ पे आपको फोटो डालनी हो, तो वो मैं उससे थोड़ा था, मतलब नहीं समझ आती मुझे वो चीज़. बहुत बढ़िया आशीष, इतनी अच्छी बात बोली है आपने. और बात करने को बहुत कुछ है, मगर समय बहुत ज्यादा निकल चुका है, और आई थिंक आपको भी अपने कुछ पर्सनल काम करने होंगे जरूर. तो बहुत फैंस हैं, बहुत क्रेजी हैं, बहुत दीवाने हैं आपके, भाई उनके लिए कुछ अच्छा सा मैसेज दे दीजिए आप अपने फैंस को हमारे थ्रू. These are very very difficult times across the world, and aisa kuch nahi hai ki we cannot come out of it. We have almost come out of it, and it's just I think a matter of time we get back to normal. But then new normal has to be according to what we are going through right now. So be positive, keep smiling, and nothing to worry about. Don't worry, don't stress. I know you've been inside out, you all have been. So, but anyways, there are better things to come. And hum insaan na bade cockroach jaise hote hain, hum na evolve ho jate hain, chahe jaisi cheeze ho waise us hisab se. So, do not worry, we will evolve according to this, and we'll see better, but we'll see much better time. And just be happy, keep smiling, and keep sending me your love, and I love you. थैंक यू सो मच आशीष, थैंक यू. आप भी घर में रहिए, अच्छा अच्छा खाना बनाइए, और जल्दी से फिर हम फिर से मिलते हैं. फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ आमने सामने आई विश होगा इस बार मुलाकात. तो थैंक यू, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय. यू टू, बाय बाय. मैं
कौन किया था सर? क्या बोल रही है?